नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 4 सितंबर, कल के सेशन की अगर बात करें तो यूएसडी आईएनआर में जैसे हमने उम्मीद की थी प्राइजेस में कुछ हाल आता हुआ दिखाई दिया और प्राइजेस 7368 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल में भी हमने देखा डेटा पॉइंट के मुद्दे पे हमने डॉलर को बाउंस करते हुए देखा जो 9280 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह 93 का लेवल तोड़ पाएगा क्या। जिस ढंग से हमने कल इक्विटी मार्केट में एक-एक बड़ा फॉल आते हुए देखा और विक्स इंडेक्स में बढ़ोतरी आते हुए देखी, कहीं ना कहीं कंसर्न्स है अभी भी कि 93 के ऊपर डॉलर इंडेक्स नहीं जा पाएगा। बट आज जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में एक गिरावट दिखा रहा है तो हो सकता है आज बड़ी वॉलिटिलिटी हम करेंसी में देख सके। ओपनिंग की अगर बात करें तो 7364 के करीब ओपन होना है। अगर 7375 के ऊपर प्राइसेस जाता है तो हम 74 तक का लेवल यूएसडी आईएनआर में देख पाएंगे। वहीं हीरो की बात करें, हीरो काफी फ्लैटिश नोट पे बंद होता हुआ दिखाई दिया करीबन 87 के करीब। और साथ में जीबीपी की बात करें तो मार्केट का टोन स्लाइटली नेगेटिव ही था। जब तक 98 के नीचे ट्रेड कर रहा है ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। जेपीवाई में भी हमने अर्ली आवर्स की गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी आते हुए देखी जो 6924 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। आज की ओपनिंग करीबन 6935-6940 के करीब हो सकता है। इंटरनेशनल की अगर बात करें तो हमने डॉलर इंडेक्स में नो डाउट डेटा पॉइंट की वजह से एक पुलबैक जरूर देखा। जैसे कल के सेशन की अगर हम बात करें तो यूरो जोन से सर्विस पीएमआई के आंकड़े मिक्स आते हुए दिखाई दिए, जबकि डॉलर से अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा काफी अच्छा आया जिसके चलते डॉलर को थोड़ा सपोर्ट मिला। बट अपसाइड काफी लिमिटेड दिखाई दे रहा है जिस ढंग से रिवाइज नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी या ट्रेड बैलेंस के आंकड़े की बात करें वो खराब आते हुए दिखाई दिए। सिमिलरली आज के सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमवार को यूएस मार्केट लेबर डे के चलते हॉलीडे मूड में रहेगा तो आज मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। यूरो जोन से फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा आने काफी खराब उम्मीद है। कंस्ट्रक्शन पीएमआई के आंकड़े आपको ब्रिटेन से दिखेंगे जो स्टेबल टू पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जबकि यूएस साइड से एवरेज अवर्ली अर्निंग का डेटा गिरावट दिखा रहा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज काफी इंपॉर्टेंट डेटा, इसमें बड़ी गिरावट दिखा रहा है जो कहीं ना कहीं डॉलर पे प्रेशर लाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी गिरावट आई है तो काफी मिक्स व्यू है। बट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा अगर इसमें फॉल आती है तो कहीं ना कहीं डॉलर में हम बड़ी बिकवाली देख सकते हैं। और शुक्रवार का सेशन है तो जनरली हम प्रॉफिट बुकिंग भी देखते हैं। चार्टिकली भी बात करें तो मार्केट में एक अच्छा उछाल हमने कल के सेशन में देखा जरूर, बट 93 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि फिर से हम डॉलर इंडेक्स को 9250 का लेवल तोड़ने से 92 तक के लेवल फिर से देख पाएंगे। वहीं यूरो आईएनआर में एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ है जो करीबन 8978 से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बता रहा है। अगर प्राइजेस कंटिन्यू 90 के नीचे होल्ड करते हैं तो आई थिंक नीचे में करीबन आप 80 तक का भी लेवल यूरो आईएनआर में देख पाएंगे। वहीं यूरो यूएसडी की बात करें इसमें भी प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव ही दिखा रहे हैं जो 1.17 के करीब वापस जाता हुआ दिख सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।